बोलो सच्चे स्वभाव की जय। बोलिए आप लोग। सच्चे दरबार में तभी जा सकते हो, उसकी योग्यता है सच्चा स्वभाव। वो सच्चा स्वभाव हमारे अंदर ही हो सकता है, कहीं और नहीं। और जैसे ही सच्चा स्वभाव हो जाएगा, आप सरल हो जाओगे। और सरल होना एक सिद्धि है। एक सिद्धि तो सरल होने से ही प्राप्त हो जाएगी। स्वभाव को सच्चा रखो। सच्चे दरबार की जय। सच्चे दरबार की जय तभी बोल पाओगे जब सच्चा स्वभाव होगा। और सच्चा स्वभाव करना अपने हाथ में। सच्चा स्वभाव सत्य का आचरण। सत्य मतलब ईश्वर का आचरण। तो पहली सिद्धि तो सच्चा स्वभाव, सत्य और सरलता से ही है। और जब आप सरल हो जाओगे तो सरलता में सरल व्यक्ति को हर कोई पसंद करता है। जैसे आप डिस्टर्ब हो जाओगे या आपकी आप तक पहुंचने के, आपको पाने के रास्ते डिस्टर्ब होंगे तो आप लोग हटाएंगे। सरलता में सिद्धि है। और सरल जो हो जाएगा, रिलैक्स्ड, वही संतुष्ट भी। हमारा ज्ञान क्या कहता है? संतुष्ट हो जाओ। वरना क्या कहते? बहुत कुछ पा लिया, बहुत कुछ खो लिया जीवन में, बहुत कुछ कर लिया, अब तो बस सुकून चाहिए। मतलब सुकून चाहिए, सुकून फिर ईश्वर की शरण में जा रहे हैं। जीवन भर सांसारिक होते रहे, धन दौलत शोहरत कमाते रहे और अब कुछ नहीं रहा, चलो अब ईश्वर की शरण में चलो। ऐसे थोड़ी कुछ होता है। ये तो ऐसा हुआ जैसे एक व्यक्ति रिटायरमेंट के नजदीक हुआ, 6 महीने पहले उसका GPF कटना बंद हो जाता है, उसकी कार्रवाई शुरू हो जाती है, भाई अभी रिटायर होगा, तो वो ध्यान देता है, अब मैं रिटायर हो रहा हूं। अब मैं सरल हो गया हूं, अब मैं कोई बदतमीजी करूंगा नहीं, वरना आप मेरे फाइल खराब कर दोगे, रिटायरमेंट के मुझे बेनिफिट नहीं मिलेंगे। सबसे सरल व्यवहार रखना, साहब मैं रिटायर हो रहा हूं। व्यवहार पूरी जीवन भर का काउंट होता है। नौकरी में, नौकरी में आपने कैसी नौकरी की, आपकी फाइल देखी जाती है। वैसे ही जिंदगी में आपने जीवन भर क्या किया वो देखा जाता है। ये नहीं कि रिटायर होते ही 6 महीने का आचरण अच्छा कर लिया और आप अच्छे हो गए, वो फाइल बनती है। रिटायरमेंट में भी जीवन भर की नौकरी की, ऐसी जीवन भर में होता आपके पाप तो पुण्य की फाइल बनती है। वो फाइल सुवर्ग यही है। सुवर्ग अच्छा, अच्छा वर्ग जिसमें आप इज्जत पाओ तो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने आज कहना शुरू किया था, बोलो सच्चे दरबार की जय। सच्चे दरबार की जय वो बोल सकता है जो सच्चा स्वभाव रख सकता है। और सच्चे स्वभाव के लिए यहां पूरी दरबार है। सच्चा स्वभाव सत्य के आचरण से हो सकता है। सत्य का आचरण मतलब श्री हरि ईश्वर सानिध्य, ईश्वरीय होना। और जो सच्चा स्वभाव रखेगा वही सरल हो जाएगा। और जो सरल होगा, सरल होना एक सिद्धि होती है। ये ऐसी सिद्धि है जो अपने आप से प्राप्त की जा सकती है। सरल व्यक्ति जो होगा, जो रिलैक्स होगा, किसी पिक्चर में रोल करना हो उसको कहा जाएगा बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, कोई भी आप पे आडंबर हटा दो। आपको डॉक्टर का रोल करना है तो डॉक्टर फील करूंगा। कोई गायक होगा, कुछ भी होगा, होना पड़ेगा, सारी चीजों से अलग हटना पड़ेगा, तब आप उस किरदार को कर सकते हो। तो मानव जीवन भी प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल में है। मानव जीवन जो है तो सभी प्रोटोकॉल है, वो आदर्श है। उस आदर्श से थोड़ी भटकना। मानव जीवन के प्रोटोकॉल में मानव मानव रहते हुए, मानव होते हुए, अब श्री कल्कि जी, अब श्री कल्कि जी की शक्तियां, प्रवचन, सत्संग लगातार चल रहे हैं। अब बहुत तेजी से आकलन हो रहा है, बहुत तेजी से समय दौड़ रहा है, वो तेजी से समय, जितना तेजी से हम लोग ये सत्संग कर रहे हैं उतनी तेजी से वो आ रहे हैं हमारे समय। उनकी धमनियां, उनके आदेश,
वो सब हमें सुनाई दे रहे हैं, तभी तो वो चल रहा है। मगर मेरे कह रहे हैं कि अगर हमारा सच्चा स्वभाव नहीं होगा, अगर हम सरल नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे। क्लास में स्टूडेंट वैसे होने चाहिए ना जो गुरु समझा सके। हम सत्संग के माध्यम से इकट्ठा तो कर रहे हैं सबको, मगर वो योग्यता भी तो हमें रखनी पड़ेगी जो वो हमें समझाए। कलयुग है, कलयुग का मतलब है किसी भी कहानी का उपसंगार सार जो कहना होगा एंड। इस कलयुग का अर्थ है कल की आपको टोटल सार देंगे, कहानी को चल रही हो उसके एंड में पूरा सार दिया जाता है। सारे पात्रों के बारे में, इसने ये किया उसने वो किया, अच्छे को अच्छा फल बुरे को बुरा फल, और सबका फिर एक सार। वो सार देने आ रहे हैं और पार लगाने आ रहे हैं कलयुग से सत्ययुग। तो उसके लिए योग्यता हमारे अंदर होनी चाहिए, सच्चा स्वभाव, सरलता, सत्यता। वो आ तो रहे, वो तो उनकी शक्ति आ गई, सबको दिख रही है, मगर हमारे अंदर वो योग्यता है जो उनकी, जिन्हें वो सेलेक्ट कर सके। सेलेक्शन की प्रक्रिया चल रही है। जब बच्चा किसी कॉलेज में कंपटीशन में भाग लेने की सोचता है तो वो तैयारी करता है खुद से कि मुझे उस कंपटीशन में भाग लेना है। वही चल रही है कंपटीशन, तो वो अपने आप ले रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब क्लास में हम लोग हैं, तो उनके आने का तो इंतजार कर रहे हो, मगर हम कितने तैयार हैं ये भी देख लीजिए।